You could win an iPad every day. It's time to win big. Just SMS BE to 51818. Bullseye, only on CNBC TV 18. सिर्फ बड़े बड़े सपनों से कोई बड़ा नहीं बनता, जरूरत पड़ती है पैशन और सही गाइडेंस की। हम करते हैं आपकी मदद नए कारोबार शुरू करने में, बिजनेस वर्ल्ड के सबसे जाने माने लोगों से मुलाकात के साथ साथ एक्सपेंशन हो फंडिंग, मैन पावर हो या टेक्नोलॉजी, आपके कारोबार को एक बड़ा ब्रांड बनाने में मदद करता है आवाज एंटरप्रेन्योर। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं टाटा वेंचर। अब तक हमने आपको बताया कि दुनिया की नामी ग्रामी रिटेल कंपनियां भारत के रिटेल बाजार में आने को कैसे आतुर हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि घरेलू रिटेल कंपनियों को भी अपनी हालत सुधारने के लिए पैसे की उतनी ही जरूरत है। रिलायंस रिटेल इज नाउ एट द इंफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ अ न्यू पैराडाइम। वी आर पोजिशनिंग रिलायंस रिटेल टू बी द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन रिटेलिंग। मुकेश अंबानी के इस ऐलान के साथ ही घरेलू रिटेल कंपनियों के बीच खलबली मच गई है, क्योंकि पहले से ही घाटे में चल रहे रिटेल कारोबार में अगर कंपटीशन और तेज होता है तो इनके लिए अपना वजूद बचाए रखना आसान नहीं होगा। कुछ कंपनीज को तो नोहाव चाहिए, इसलिए वो शायद वो चाहेंगे पार्टनरशिप करना या ज्वाइंट वेंचर करना, और कुछ कंपनीज को कैपिटल चाहिए। अगर हम अपने देश की दिग्गज रिटेल कंपनियों की माली हालत पर नजर डालें तो साफ होता है कि उनके लिए रिटेल में एफडीआई का दरवाजा खोलना कितना जरूरी है। बिग बाजार ब्रांड से मशहूर देश की नंबर वन रिटेल कंपनी पेंटालून रिटेल्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 3 साल में 51% घट चुका है। फ्यूचर ग्रुप के ऊपर कुल 3800 करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर पिछले 5 साल के दौरान पेंटालून के बिजनेस चलाने और विस्तार योजनाओं पर गौर करें तो कंपनी को सालाना 700 से 800 करोड़ रुपए चाहिए। यही वजह है कि जैसे ही सरकार एफडीआई के प्रस्ताव पर हरकत में आई, कंपनी ने अपने कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग शुरू कर दी ताकि एफडीआई की छूट मिलते ही उसका फायदा उठाया जा सके। We have two businesses in our financial services. One is our NBFC, which is Future Capital Holdings, and one is our insurance business, which sits on the balance sheet of Pantaloon Retail. Again, we are looking at some FDI announcement on that. And in case the FDI becomes 49% on insurance, which there has been a talk about, so there is an option of 23% of that stake sale, which can happen. Even on the NBFC front, we can look at some strategic or financial stake dilution. Today, some resources. सिर्फ फ्यूचर ग्रुप ही नहीं बल्कि देश की दूसरी बड़ी रिटेल कंपनियों जैसे शॉपर्स स्टॉप्स के ऊपर 220 करोड़ रुपए का कर्ज है। टाटा की रिटेल वेंचर ट्रेंड के ऊपर 260 करोड़ और विशाल रिटेल के ऊपर 700 करोड़ रुपए का कर्ज है। कर्ज के साथ ही तेजी से बढ़ते कंपटीशन में टिके रहने के लिए रिटेल कंपनियों को अपना कारोबार भी फैलाना है। ऐसे में एफडीआई इनके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई पर सिर्फ विदेशी रिटेल चेन कंपनियों और घरेलू कंपनियों की निगाहें टिकी हैं। दरअसल सरकार भी इसे अपनी कमाई बढ़ाने का एक अच्छा ऑप्शन के तौर पर देख रही है, क्योंकि इससे एफडीआई के जरिए सरकार के पास एक बड़े पैमाने पर पैसा आएगा। साथ ही साथ एक अनुमान के मुताबिक सालाना 50,000 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर मिलेगा। लेकिन एक परेशानी ये है कि एफडीआई को लेकर सरकार जो शर्तें लगा रही है वो शायद विदेशी रिटेल कंपनियों को लुभा ना पाए। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की छूट देने में सरकार की जल्दबाजी यूं ही नहीं है। पिछले 1 साल में एफडीआई 35% तक घट चुका है, जो कि सरकार के लिए एक बड़ी चिंता है। दूसरी ओर सरकार को भरोसा है कि ये सेक्टर एफडीआई के लिए ज्यादा आकर्षक है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर एफडीआई की छूट मिलती है तो $396 बिलियन का ये सेक्टर 2015 तक $785 बिलियन तक पहुँच सकता है, यानी करीब 50% की बढ़ोतरी। एफडीआई के अलावा एक दूसरा फायदा टैक्स कलेक्शन को लेकर है। रिटेल सेक्टर की जानी मानी कंसल्टेंसी एजेंसी टेक्नोपैक के मुताबिक नई व्यवस्था से सरकार की टैक्स उगाही सालाना 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है। आप किसी अगर खुदरा दुकानदार के पास जाएंगे, आपको कोई रिसीट नहीं मिलती, कोई उसमें टैक्स नहीं होता है। किसी सब्वे वाले के पास जाएंगे, उसके पास कोई रिसीट नहीं मिलेगी। आप होलसेल मार्केट में जाएंगे दिल्ली के अंदर या बम्बई के अंदर, कोई आपको रिसीट नहीं मिलेगी। वो जो टैक्स की लीकेज है वो इतनी ज्यादा है इस सेक्टर में,
कि गवर्नमेंट अगर इसको सिर्फ ऑर्गेनाइज कर दे तो गवर्नमेंट के पास कम से कम 10 20 50 हजार करोड़ रुपए तक की आमदनी हर साल लेजिटिमेटली हो जाएगी, जो टैक्सेस इवेजन होता है। लेकिन जानकारों को डर इस बात का है कि एफडीआई के नियम में सरकार जितनी शर्तें लगाने की तैयारी में है उससे शायद उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाए। मसलन डीआईपीबी के प्रस्तावों के मुताबिक मल्टी ब्रांड रिटेल में कम से कम $100 मिलियन एफडीआई करना जरूरी होगा, निवेश की आधी रकम बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करनी होगी। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय तो इसे और बढ़ाने की वकालत कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 30% खरीदारी एसएमई सेक्टर से करनी होगी। जानकारों के मुताबिक सरकार की इतनी सारी पाबंदियां सही नहीं है। अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी को चाहिए कि इन्वेस्ट करे, निवेश करे, तो उसको रिटर्न चाहिए। उस रिटर्न में आप जितनी कंडीशंस लगाएंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन कम होता जाएगा उसके लिए। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि बजाय गवर्नमेंट अपना समय बर्बाद करे कि उसमें क्या क्या राइडर लगाए, गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर किसी ने कोई प्रीडेटरी प्राइसिंग करी है तो कॉम्पिटिशन कमीशन को आप स्ट्रॉन्ग करिए, उसको पेनलाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जॉब्स का कोई नुकसान हो रहा है बड़ी कंपनी आने से, आप लोकल लेवल पे आप उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए कि भी आप यहाँ पर दुकान नहीं खोल पाएंगे। ये चिंताएं वाजिब इसलिए भी दिख रही हैं क्योंकि सिंगल ब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई की छूट 2006 में दी गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक 59 कंपनियों को मंजूरी भी दी जा चुकी है, लेकिन सिर्फ $92 मिलियन का ही निवेश हो पाया है। ऐसे में सरकार को इस पर दोबारा सोचना चाहिए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे सरकार के एक ऐसे शख्सियत से जिनके हाथों में रिटेल सेक्टर की सारी योजनाओं की कमान है।